Hello dear student, welcome to UDLK biology smart class and I am DL Kumar. Now today we are discuss the difference between anabolic and catabolism. देखिए metabolic जो activities होती है living organism में वो दो तरीके की होती है, एक होती है anabolism and एक होती है catabolism. एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म में क्या डिफरेंट है, या हम बात करें कि मेटाबोलिज्म क्या है, तो मेटाबोलिज्म एक बायोटिक केमिकल रिएक्शंस होती है और इसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में कन्वर्टिंग होते हैं. और इनके टू टाइप्स है, एक है एनाबोलिज्म और एक है कैटाबोलिज्म. ठीक है, अपन बात करें एनाबोलिज्म क्या है, तो एनाबोलिज्म बिल्डिंग बिल्डिंग अप प्रोसेस. देखिए यहां पर जो अपन बात करें कि एनाबोलिक जो प्रोसेस है एक सिंथेसाइज प्रोसेस है या बिल्डिंग अप प्रोसेस है, और जो कैटाबोलिक प्रोसेस है वो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है. तो एनाबोलिज्म एक प्रकार का सिंथेसाइज प्रोसेस है और कैटाबोलिज्म एक प्रकार का ब्रेक डाउन प्रोसेस है, जहां पर हम बात करें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन होंगे. तो फर्स्ट डिफरेंट अपना ये हो गया. सेकंड डिफरेंट अपन बात करें तो देखिए यहां पर स्मॉलर मॉलिक्यूल से कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल. यहां पर अनेक स्मॉल जो कंपाउंड्स है या स्मॉलर जो कंपाउंड्स है वो कंबाइंड होकर अटैच होकर लॉन्ग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होंगे. यानी यहां पर अपन बात करें कि ये दो कंपाउंड है जो स्मॉल कंपाउंड है ये अटैच होकर एक लॉन्ग कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे. ये है भी एनाबोलिक प्रोसेस. यानी यहां अपन बात करें कि सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. तो यहां पर ये कह सकते हैं कि सिंपल कंपाउंड थे ये सिंपल, और इनसे कैसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. और जबकि जो कैटाबोलिक है यहां लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू क्या है भी स्मॉलर यूनिट्स. यानी यहां पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या एक लार्ज मॉलिक्यूल है और यहां पर ये सिंपल कंपाउंड्स में, या अपन कहें कि स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या हो जाएंगे भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे. यहां पर ये प्रोसेस है कैटाबोलिज्म में. नेक्स्ट अपन बात करें केमिकल एनर्जी इज फॉर्म्ड एंड स्टोरेड. यहां केमिकल एनर्जी क्या बनती बनती है और वो स्टोर होती है, जबकि यहां अपन बात करें कैटाबोलिज्म द स्टोरेड केमिकल एनर्जी, जो यहां स्टोर थी केमिकल एनर्जी वो रिलीज होती है. एनर्जी इज रिलीज इनटू यूज्ड, और यहां रिलीज होती है जबकि यहां स्टोर की जाती है केमिकल एनर्जी. एग्जाम्पल हम बात करें तो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड. देखिए ये एमिनो एसिड है और इनके अटैच होने से यहां पर ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना, ये है एनाबोलिक प्रोसेस. और यहां अपन बात करें तो ब्रेक डाउन प्रोसेस है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज है और इसका ब्रेक डाउन किसमें CO2 प्लस H2O में हुआ और साथ में एनर्जी निकली जिसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं. तो ये रेस्पायरेशन एक कैटाबोलिज्म एक्टिविटीज है. तो ये डिफरेंट अभी एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक एक्टिविटीज में. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.